हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ये ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए है, मैं भी आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिये, हमने इसकी लंबाई 13 इंच ली है, ये हम 40 साइज का बना रहे हैं, तो मैंने 10 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन लिया है। हमने शोल्डर में 6 इंच ली है, मुड्डी में 6 इंच ली है और मैंने इसमें 1.5 इंच की गुलाई दे दी है। देखिए, हम पहले डिजाइन लाइनिंग पे कट करेंगे, तो हम ब्लाउज को साइड में रख लेते पहले। देखिए, 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, हम इसे 10 इंच तक लेंगे, 10 इंच तक एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इस तरह, तो जो अंदर लेंगे पहले, फिर इस तरह हम ब्रॉड करेंगे थोड़ा सा। देखिए, सेम को भी मैं कट कर लेती हूँ। देखिए, सेम दाफा के मैं कैनवास कट कर लेती हूँ इसकी। देखिए, मैंने कैनवास ली है, इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इसे। जो हमारा टफ निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे। देखिए, सेम टफ हम कट कर देते से। देखिए, इसकी चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे। देखिए, मैंने सेम टाफ के कैनवास कट कर लिए। देखिए, मैंने ब्लाउज कुछ इधर रख लिया है, इसके ऊपर मैं लाइनिंग रखती हूँ। देखिए, मैंने लाइनिंग रख लिया है, अब इसके ऊपर मैं कैनवास रखूंगी जो मैं कट की थी। देखिए, मैंने कैनवास रख लिया है, अब हम इसे पूरे में पेंसिल सेट कर देते हैं। देखिए, इस तरह मैं पूरे में लगा लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में पिन लगा दिए। हम बीच का नेक कट करते हैं। देखिए, इस तरह मैंने बीच का नेक कट कर लिया है और देखिए, हमने ये नेट ली है, इसमें हम डबल नेक बनाएंगे। देखिए, देखिए इस तरह। देखिए, इसे हम 4 इंच पे रख लिए नेट। इस तरह इसमें गुलाई देंगे हम। सेम गुलाई हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरह, और इसके लिए हम क्रॉस में पट्टी कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने ब्लाउज रख लिया, अब हम इस तरह पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, जो हमारे कोने आ रहे हैं हम वहां पे काट दे देते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस तरह मैंने कट दे दिए, हम इस तरह पलट लेंगे इसे। देखिए, इस तरह पलट लिया, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए, सर मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। देखिए, मैंने एक क्रॉस में पट्टी कट की थी इस तरह, अब हम इसके ऊपर मैं पूरे क्रॉस में पट्टी लगा लेती हूँ नेक में। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, अब हम इस तरह पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देते। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए, मैंने ये लेस ली है, इस तरह हम पूरे नेक में ये लेस लगाएंगे।
देखिए फिर मैंने लेस लगा दी है। देखिए सर मैंने ब्लाउज रख लिया है, अब हम इसमें नेट रखेंगे। देखिए इस तरह हमने ऊपर से 4 इंच ले लिया है। देखिए सर हम पिन से सेट कर देंगे यहाँ पे। देखिए इसी तरह मैं 4 इंच पे दूसरी साइड भी सेट कर लेती हूँ पिन से। देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड पिन से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ बीच में भी पिन लगा दें जिससे हमारा ये हिले ना। देखिए सर मैंने पूरे में पिन लगा लिए और जो मैं ये लेस लगाई है यहाँ पे नेक में वो हम पूरे में इस तरह नेक में लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दी है। देखिए जो हमारी जो एस्टर नेट है इस तरह हम कट कर देते हैं। बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे बड़े बड़े टांके लगा के। अब हम नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे। देखिए मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है, इस तरह हम प्लेट डालेंगे 3.5 इंच पे, लंबाई 3.5 इंच लेंगे हम। इसी तरह मैं दूसरी साइड में निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह हम फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह मैंने प्लेट डाल दी है। इसी तरह मैं दूसरी साइड में प्लेट डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों में प्लेट डाल दी दोनों साइड। अब नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे इसे। देखिए इस तरह देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। आप तरह देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डाल दी मैंने और पूरे में लेसें लगा दी है। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सी डिजाइन बना सकते हैं अपने ब्लाउज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।